हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो वीडियो रहेगा ये आप सभी के लिए, BA BSc BCom सभी को इसका एग्ज़ाम देना है और सभी को इस पर पूरा ध्यान देकर पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आए और आप लोग देख पाए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आपका CC5 हो गया, ठीक है। CC5 है स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स डाउट भी हैं कुछ लोगों का कि हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। ऑब्जेक्टिव तो आने हैं, ये तो पक्का है, MCQ ही आएंगे, ठीक है। और 25 MCQ आएंगे स्टूडेंट्स, और इंग्लिश में आएंगे या हिंदी में आएंगे ये सबको डाउट है। बट स्टूडेंट्स ये जो ज़्यादा चांसेस हैं इंग्लिश में आने का, ठीक है, और हो सकता है कि हिंदी में भी रहे, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं इंग्लिश में रहेंगे ही रहेंगे। मतलब इंग्लिश में तो पक्का रहेंगे, ठीक है, हो सकता है हिंदी में भी रहे लेकिन इंग्लिश पक्का रहेंगे। तो स्टूडेंट्स क्यों ना इंग्लिश में इसको कवर करवा दिया जाए, तो इसलिए इस वीडियो को लाए स्टूडेंट, ठीक है। इसका सिलेबस देख लेते हैं, पहला लॉजिक है, दूसरा है सेट्स एंड नंबर सिस्टम, और तीसरा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, चौथा स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, फिर पांचवा ज्योमेट्री है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग को पूरा देखना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि वो भी लाभ ले पाएँ, ठीक है। तो आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम MCQ में ही आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं लॉजिक में स्टूडेंट्स, तो इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट नहीं है। तो देखना पहले, एवरी सेट इज अ फिनिट सेट, इट इज लेस देन 6, वेर आर यू डू गोइंग, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो इसका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स सी नंबर, वेयर आर यू गोइंग, तो इससे स्टेटमेंट हो गया, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स टू नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। प्लीज डू मी अ फेवर, 2 इज एन इवन इंटीजर, 2+1 इज इक्वल टू 3, द नंबर 17 इज प्राइम। तो इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट नहीं है, तो दो नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1, प्लीज डू मी अ फेवर, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट, खुला स्टेटमेंट कौन सा है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इसमें से क्या है जो ओपन स्टेटमेंट है, तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ PQR आर सिंपल प्रोपोजिशंस विथ ट्रूथ वैल्यूज TFT, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन, क्वी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन, सिग्मा आर मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन पी इज। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में पूरा डिटेल से अगर आप लोग को जानना है तो इसका लिस्ट का जो लिंक है डाल दी है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस वीडियो को देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, ए मतलब ट्रूथ और फॉल्स के बारे में पूरा एकदम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू इफ यार इज इज फेल्स, ट्रू इफ क्यू इज ट्रू। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ए नंबर, ट्रू, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इफ पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन आर मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन, क्यू मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन आर इज फेल्स एंड क्यू एंड आर आर बोथ फेल्स, देन पी इज। तो इसमें क्या होगा पी, तो ट्रू फॉल्स, मे बी ट्रू और फॉल्स, डाटा इन फेस सफिशियंट। तो 5 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, ट्रू ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन, पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू इज अ कंट्रेडिक्शन टाउटोलॉजी एदर और बी, नेदर ए और नॉर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ए हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग देखिएगा वो जाके, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉजिकली इक्वाइलेंट टू द प्रोपोजिशन, अ रियल नंबर इज इधर रैशनल और इराशनल, इफ अ नंबर इज नेदर रैशनल और इराशनल देन इट इज नॉट रियल, इफ अ नंबर इज नॉट रैशनल और नॉट एन इराशनल देन इट इज नॉट रियल, या इफ अ नंबर इज नॉट रियल देन इट इज नेदर रैशनल
नॉर इरासनल। इफ अ नंबर इज रियल देन इट इज रैशनल और इरासनल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7th नंबर का बी नंबर। इफ अ नंबर इज नॉट रैशनल और नॉट एन इरासनल देन इट इज नॉट रियल। ये सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ पी इट रेंस टूडे, क्यू आई गो टू स्कूल, आर आई शैल मीट एनी फ्रेंड्स एंड एस आई शैल गो फॉर अ मूवी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपोजिशन। इफ इट डज नॉट रेन और इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल देन आई शैल मीट माई फ्रेंड एंड गो फॉर अ मूवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8th नंबर का ई, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू, आर मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन एस, ठीक है। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। द प्रीपोजिशंस फी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन पी और सिग्मा पी है, ठीक है। तो मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन पी और लॉजिक क्वेश्चन पी इज अ क्या है, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन है, नेदर और टोटोलॉजी और नोर कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन है टोटोलॉजी है। तो 9th नंबर का सही आंसर क्वेश्चन सी नंबर, ठीक है, कंट्राडिक्शन। आगे देखिए 10th नंबर। इफ पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन आर इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर आर रेस्पेक्टिवली क्या होगा। ट्रूथ ट्रू फॉल 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 ट्रू ट्रू और ट्रू ट्रू फॉल। तो 10th नंबर का सही आंसर क्वेश्चन एक नंबर ए, ठीक है, टी ट्रू फॉल फॉल। आगे देखें 11th नंबर। इफ पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन और इस प्रकार से साइन किया हुआ पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू इज फॉल्स इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली क्या होगा। फॉल ट्रू फॉल फॉल ट्रू 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 फॉल। तो 11th नंबर का सही आंसर डी नंबर ट्रू और फॉल, ठीक है। ये सारा आप लोग को कवर करवा दिए सिलेबस में, यानी कि जब पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव टाइप का उसमें, ठीक है, समझा दिए। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डाल दिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके इस वीडियो के, तो वो भी वीडियो देख ही लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो सके। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन वी सिग्मा क्यू मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन, तो इस तरह से मतलब है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए टोटोलॉजी हो जाएगा, कंट्राडिक्शन, फिर बोथ टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन, नेदर और नेदर टोटोलॉजी और नोर कंट्राडिक्शन। तो 12th नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी नंबर अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ प्रीपोजिशन। इफ अ नंबर इज अ प्राइम देन इट इज ऑड। तो ऑड नंबर के बारे में बात हो रहा है। इफ अ नंबर इज नॉट अ प्राइम देन इट इज ऑड। इफ अ नंबर इज नॉट अ प्राइम देन इट इज ऑड। इफ अ नंबर इज नॉट ऑड देन इट इज नॉट अ प्राइम। इफ अ नंबर इज नॉट ऑड देन इट इज अ प्राइम। तो इसका सही आंसर 13th नंबर का सही आंसर बी होगा, ठीक है। इफ अ नंबर इज नॉट अ प्राइम देन इट इज ऑड, ठीक है। अब देखिए 14th नंबर का सही आंसर क्या है, ठीक है। पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, मतलब ये एक तरह से स्टूडेंट्स आपको बता रहा है ये चिन्ह वाला और यहाँ इस तरह का, मतलब कि पी चिन्ह के साथ और क्यू चिन्ह के साथ दोनों क्या है, इक्वल है। इसका सही आंसर 14th नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। 14th नंबर में बी हो जाएगा, क्या कौन सा इक्वल है सो ए, ठीक है। तो ये चिन्ह वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स और इधर मतलब बिना चिन्ह वाला, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन ई क्यू, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू पी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन सिग्मा क्यू या फिर मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू और एजुकेशन सिग्मा इसको नहीं कहते हैं, कुछ कंट्राडिक्शन टाइप का कुछ अलग कहते हैं, ठीक है। ये भी उस वीडियो में है बताया स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मतलब कंफर्म कर लेंगे आप लोग के लिए, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये मैथमेटिकल इन लॉजिक क्वेश्चन क्यू, तो इस तरह से मतलब पी हो इस तरह से क्यू है, तो मतलब कौन सा जो है सो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप देखिए 15th नंबर का सही आंसर डी नंबर, ठीक है, ये जो डी नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16th क्वेश्चन द कंडीशनल फी मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन क्यू मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन फी इज अ टोटोलॉजी अ फैलसी आई कंट्राडिक्शन नेदर टोटोलॉजी नॉर फैलसी नॉन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर जो है 16 नंबर का ये, देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है ना, टोटोलॉजी। तो इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, और भी आएंगे को ठीक है, तो और भी आएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी आप लोग वीडियो देख सकें ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे हिंद वंदे मातरम, और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो उसमें भी ज्वाइन करिए, फ्राइडे फ्राइडे एग्जाम भी होता है, टेस्ट होता है, सारा कुछ होता है फ्रेंड्स ठीक है, जो कि हम बता नहीं सकते, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर हम दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से उसको भी आप लोग देख लीजिए।